मंडी स्थित प्रसिद्ध भीमाकाली मंदिर में 2 दिवसीय भीवली मेले का आयोजन किया गया। यह मेला हर वर्ष लगाया जाता है क्योंकि 13 और 14 अप्रैल को माता भीमाकाली का जन्मदिन मनाया जाता है। इसी दौरान मेले में स्थानीय देवी देवता भी शिरकत करते हैं और मेले को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिलता है। वहीं मंडी स्थित भीमाकाली मंदिर में 2 दिवसीय भीवली मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला बैसाखी व माता भीमाकाली के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेले के बारे में अधिक जानकारी देते हुए भीमाकाली मंदिर के पुजारी गुरुदेव शर्मा ने बताया कि भीमाकाली मंदिर की स्थापना राजा बानसेन के द्वारा 1241-42 में की गई थी। उन्होंने बताया कि यह मेला माता भीमाकाली के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और मेले में स्थानीय देवी देवता शिरकत कर लोगों को आशीर्वाद देते हैं। मंदिर जो है भीमाकाली का, ये बानसेन के टाइम से स्थापित की गई माता है जो कि 1241-42 में इसकी स्थापना हुई है। तो उसके बाद उसी वक्त से जिस दिन ये स्थापना हुई है वो आज दिवस है, ये जो 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को 2 दिन का यहाँ बड़ा उत्सव मनाया जाता है एक माता के जन्मदिन के रूप में। तो ये मेले जो है ये पहले जो थे तो उस वक्त राज्य स्तर का होता था। यह मेला राजाओं के समय से आयोजित किया जाता है और अब तक मेले का बहुत विकास हो चुका है। मेले का शुभारंभ व समापन जिला अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। गुरुदेव शर्मा ने बताया कि मेले में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाती हैं। बहुत सुंदर लगा जी, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। मंदिर का कैंपस, मंदिर बहुत शानदार है, कैंपस में बहुत बढ़िया मेला आपके लगा है। अभी कुश्तियों का आनंद लिया, अच्छी कुश्तियाँ हो रही है, बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। राजाओं के समय से आयोजित किए जाने वाले भीवली मेले को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।